हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं ओनली सिंगल लाइक। मैं हूं आपका दोस्त पप्पू दीक्षित। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपनी खोई हुई डिवाइस या आपका खोया हुआ फोन या लैपटॉप या आईपॉड टैबलेट कैसे दोबारा से ट्रैक करें या दोबारा से आप अपने पास कैसे पाएं। जी हाँ, अब तक हम सोचते थे कि यार खोई हुई डिवाइस है, क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपकी खोई हुई डिवाइस आपको मिल जाएगी या आप ट्रैक कर सकते हो घर बैठे कि कैसे, कहाँ है, कैसे है, कैसे मिलेगी। ये मैं सारी डिटेल बताऊंगा। आप उसमें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी डिवाइस को ट्रैक भी कर सकते हैं, उसमें अलार्म भी सेट कर सकते हैं। आप जब भी चाहें तो आप उस अपनी डिवाइस पे दूसरी डिवाइस से, जिस डिवाइस पे वो आपको पाना है, दूसरी डिवाइस से आप अलार्म भी बजा सकते हैं, सेट कर सकते हैं, या दूसरी डिवाइस अपनी डिवाइस को लॉक भी बैठे हुए, कहीं भी बैठे हुए लॉक कर सकते हैं। आप उस डिवाइस पे अपनी डिवाइस पर मैसेज भी भेज सकते हैं कि भाई ये चोरी की डिवाइस है, फला फला जगह पे आप, या फला फला मेल पे आप भेज दीजिए। आप उसको ट्रैक करने के बाद आप पुलिस को दे सकते हैं। आराम से आपकी डिवाइस मिल जाएगी, एग्जैक्ट लोकेशन पूरी मिल जाएगी उसकी, आपके मेल पे पूरी मेल आएगी। सबसे पहले नंबर वन आपके मेल पे मेल आएगी, आपके मेल पर उस बंदे जिसने बंदे ने आपकी चोरी की है उसकी पूरी स्नैपशॉट यानी कि कैमरे से उसकी फोटो तक खींच के भेजेगी। ये सॉफ्टवेयर जिसके बारे में मैं रिव्यू करने वाला हूँ, ये पूरा फोटो खींच के भेजेगा, यहाँ तक कि उस समय वो क्या खोल के बैठा हुआ है, यानी कौन से ब्राउजर पे क्या काम कर रहा है वो भी आपको दिखाएगा, कौन से आसपास की वाईफाई भी बताएगा, या कनेक्ट की संभावना होगा तो कनेक्ट भी करके बताएगा, या कौन सा इस समय आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, या इस समय कौन सा इंटरनेट यूज कर रहा है या किस जगह पे बैठा है, वो आपको सारी डिटेल ये सॉफ्टवेयर बताएगा। तो आपको ब्राउजर पे कुछ नहीं, आपको ब्राउजर पे टाइप करना है preproject.com। और मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये डिवाइस लाइनेक्स, मैक, विंडोज, एंड्रॉयड, लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती है। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये डिवाइस को डाउनलोड कैसे करना है, इसको रजिस्टर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले आपको बताना है कि कॉन्फिगर कैसे करना है और एक्टिवेट कैसे एक्टिवेट करना है। और हाँ, ये इसमें प्रो वर्जन और फ्री वर्जन दोनों है, लेकिन मैं बताऊंगा फ्री वर्जन के बारे में, क्योंकि मैं, और ये है कि मैं किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को आपको नहीं बताऊंगा जिसके बारे में मैं नहीं जानता। मैं वही चीज़ बताऊंगा जिनके बारे में मैं जानता हूँ या मैं यूज कर चुका हूँ। तो हाँ, मैं इस सॉफ्टवेयर को लगभग 1 साल से भी ज़्यादा यूज कर रहा हूँ और ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो बहुत हो गई बातें, हम चलते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो आपको गूगल पे सर्च करो प्रे, या preproject.com डायरेक्ट ब्राउजर पे डाल के आप पहुंच सकते हैं। और आप इस साइट पे जैसे ही जाएंगे तो आपको इस पर पहली बार जाने पर रजिस्टर करना होगा, जैसे है पहली बार जाने पर आपको रजिस्टर करना होगा, और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आपको सिर्फ साइन इन करना होगा। अगर रजिस्टर कर रखा है तो आपको सब पता ही होगा। तो मैं यहाँ पर, मैंने रजिस्टर कर रखा है इस पे, तो मैं यहाँ फिर भी आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि इसको रजिस्टर कैसे करना है। तो रजिस्टर करने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। यू डोंट हैव एन अकाउंट पे आप क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम भर दीजिए जो भी है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक पेज दिखाई देगा। ये फिलहाल मैंने मिसिंग की हुई है। You don't
हाँ, तो आपको यहाँ से iOS के हो तो आपको मैक यूज करते हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, एंड्रॉयड यहाँ से ही आप डाउनलोड कर सकते हो, ये सीधे प्ले स्टोर से ले जाएगा, प्ले स्टोर पे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो इस तरीके से ये। और मैक पे यूज करते हो तो इस तरीके से मैक, विंडोज, लाइनेक्स, यहाँ पे सारे ऑप्शन है डाउनलोडिंग के, तो आप इनको सिंपल करके आप डाउनलोड किया, मैंने सेव फाइल कर दी मैंने यहाँ पर। इस फाइल को मैं क्या करता हूँ कि ये डाउनलोड हो गई, बहुत छोटी सी फाइल है, मैं इसको रन कर देता हूँ। तो मैंने है ना इसको सिस्टम पर रन कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, एग्री हूँ, और उसके बाद ये लगभग लगभग बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाती है। ये मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया। जब चला गया यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, यहाँ पे आपको वही ईमेल आईडी डालनी है जो अभी आपने रजिस्टर की थी। और वही पासवर्ड डालना है जो अभी आपने रजिस्टर किया था। अब ये कनेक्ट कर रहा है हमारी डिवाइस से। ये देखो, आप देखोगे कि ये एक लोगो बना हुआ आ गया, ये मेरे कंप्यूटर का है। मैं इस पे करूंगा तो यहाँ पर ये भी अननोन इन्फॉर्मेशन बता रहा है, अननोन लोकेशन बता रहा है, लेकिन अब देखो कितनी जल्दी आप इसमें देख पाओगे कि सारी लोकेशन के इसमें ये जो लोकेशन है वो अभी आ रही है। जैसे अभी इस समय न्यू दिल्ली, दिल्ली इंडिया आ रही है, तो हाँ मैं दिल्ली में हूँ, तो ये दिल्ली का भी मैप भी आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोकेशन को चाहो तो अपडेट कर सकते हो कि हाँ ये है, ये सारी चीजें आ रही हैं। आप यहाँ से एक चीज और अच्छी, बहुत अच्छी है, यहाँ पर अलार्म सेट कर सकते हो कि अगर आपकी जैसे चोरी हो गई है तो आपको, अगर अलार्म अगर आप ट्रैक कर पा रहे हो कि इस समय वो भी बंदा ऑनलाइन है, और आप अपनी डिवाइस अगर दूसरे कंप्यूटर से आपको खोल के देखना है, आप देख पा रहे हो कि वो बंदा एक्सेस कर रहा है, तो आप वहां पर इस तरीके से कंफर्म करेंगे तो अलार्म, देखो ये मेरे डिवाइस पे अलार्म बजने लगा। तो इससे क्या है कि आप दूसरे कंप्यूटर पे जाकर उसको अलार्म सेट करके आप उनको अलार्म करके उनको एक वो कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो कि हाँ ये अलार्म है, या किस तरह आप उसमें अलार्म, आप अपनी डिवाइस पे तुरंत ही अलार्म के थ्रू एक उसको एक मैसेज दे सकते हो, या कहीं नजदीक में है अगर आपकी डिवाइस और आपको पता नहीं कि किस घर में है, तो आप वहां से सेट करोगे जब अलार्म, तो आपको पता चल जाएगा हाँ यही प्लेस है। आप नजदीक से आप जब अलार्म उसको सेट करोगे और अलार्म उसमें जब बजाओगे तो दूर तक अलार्म की आवाज आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसी जगह है, आप वहां पे आराम से उसको देख सकते हो। आप यहाँ से सेंड मैसेज कर सकते हो, तो जो भी मैसेज है अगर आप जो भी यहाँ पे मैसेज लिख के टाइप करोगे वो मैसेज आपकी मेल आईडी पे पहुंच जाएगा। यहाँ पर कंफर्म करोगे तो यहाँ, या वो डायरेक्ट चोरी करने वाले इंसान के कंप्यूटर पे पहली स्क्रीन पर ये मैसेज आ जाएगा, ये इस तरीके से मैसेज आ जाएगा उसको क्लोज कि हाँ भाई ये चोरी की हुई ये है, और ये है, आप इसको इस पे लौटा दो। जो भी है आप जो भी मैसेज टाइप करना चाहो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो कि ये डिवाइस यहाँ की प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी है, ये चोरी करी हुई प्रॉपर्टी है, आपको इस ईमेल पे आपको संपर्क करना चाहिए। तो अगर गलती से किसी को मिली है तो वो इस आपके मेल पे संपर्क कर सकता है,
आप अपनी डिवाइस को लॉक भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर लॉक नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा डिवाइस है, फिर मैं बताऊंगा कैसे आपको। तो आप इस क्लिक बटन पर क्लिक करोगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी डिवाइस लॉक भी हो जाएगी। ये तो थी इसकी फीचर की बात। अगर आपका डिवाइस खो गया है या आपका फोन खो गया है, आपका लैपटॉप खो गया है, तो आप यहाँ पर सीधा सेट डिवाइस मिसिंग कर दीजिए। जब आप इसको मिसिंग कर देंगे तो ये हर 10 मिनट में आपको मेल भेजेगा, ये लॉस्ट हुई है, स्टोलन हुई, आप इस तरीके से कर दीजिए। मेरे तो कुछ नहीं हुई लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। तो ये हर 10 मिनट में आपको उस डिवाइस की फोटोज भेजेगा कि वो कहाँ है, साथ में वो उसने बंदे ने क्या खोल रखा है, कौन सी ब्राउजर खोल रखा है नजदीक की, कि कौन सी वाईफाई यूज कर रहा है या इस समय वो कौन सा इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, वो सारी डिटेल यहाँ पर वो सारी आपके मेल आईडी पे सारी सेंड होती रहेंगी। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ मैंने सेटिंग कर दी। अब मैंने ये देखो एक रिपोर्ट आ गई मेरे पास, यहाँ पर रेड कलर का निशान आया, रिपोर्ट आ गई। अभी देखो रिपोर्ट ये एक मिनट पहले आई है और इस रिपोर्ट में आप पूरा देख सकते हो डिटेल। यहाँ पर लोकेशन दिया हुआ है, लेटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, सारी चीज है, पब्लिक आईडी दी हुई है, प्राइवेट आईपी दी हुई है, सारी चीजें दी हुई हैं कि कितनी क्या लोकेशन है। और देखो ये मेरे फोटो भी आ रही है साथ में, इसने फोटो भी खींच के दे दिया है, साथ में मैंने ये क्या खोल रखा है, ये भी जो खोल रखा है उसका भी आपके ब्राउजर में कि मैंने क्या खोल रखा है, मैं क्या यूज कर रहा हूँ, तो वो सारी चीजें आ रही है, मैक एड्रेस आ रहा है, सारी चीजें यहाँ डिटेल पूरी आ रही है, मिसिंग सर्विस, ये सारी चीजें हर 5-5, 10-10 मिनट में आप जो जितने मिनट में आप सेट करोगे वो सेट हो जाएगी आपकी। आप यहाँ ये इनका एक कंट्रोल जोन है, आप यहाँ से कंट्रोल जोन से जो भी है इनका मैप है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस स्क्वायर में है, कहाँ पे है, कितने एरिया में। आप वो इन्फॉर्मेशन अगर वो नहीं दे रहा तो आप सीधा पुलिस को दे सकते हो, पुलिस सीधा ट्रैक करके, क्योंकि आपके पास ट्रैक तो हो ही रखा है कि कहाँ पे है आपकी डिवाइस, तो आपको ज़्यादा आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से ये फ्री प्लान है, 3 डिवाइसेस तक इसमें शायद फ्री होती हैं। फिर उसके बाद पर्सनल प्लान, अगर आप इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहो तो इनके कुछ प्रो प्लान भी प्लान्स भी हैं, हम प्रो प्लान पे नहीं जाते हैं कि हमें प्रो प्लान में क्या करना है, डेली में क्या करना है। तो यहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं कि मेल आईडी वगैरह जो भी है आपने जो डाला है, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में आप हमें ऑटो अपडेट रखना है या नहीं रखना है, ऑटो कनेक्ट रखना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऑटो कनेक्ट कर दिए मैंने। ईमेल नोटिफिकेशन मुझे ये जैसा भी आपको चाहिए कि एडिट डिवाइस की नोटिफिकेशन चाहिए, मिसिंग डिवाइस की चाहिए, डिवाइस रिकवर्ड की, जितनी भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए वो आपके जो भी आपके ईमेल में आनी चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, सारे को क्लोज इन टिकों से आप सेट कर सकते हो। वो अपडेट का देखो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से आप इनके हेल्प पे जा सकते हो और आप यहाँ पर यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट पे या किसी में अगर आपको किसी चीज में कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर उनकी हेल्प और सजेशन लेके सेंड कर दोगे, आपको तुरंत हेल्प मिलेगी। यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो। एक बार मैं फिर चलता हूँ और अपनी डिवाइस की डिटेल मैंने मिसिंग की हुई है देखो, तो मैं मिसिंग से हटा देता हूँ क्योंकि मेरी मिसिंग तो है नहीं है। और मैंने यहाँ से सेट डिवाइस टू रिकवर्ड कर दिया, डिवाइस रिकवर्ड इस तरीके से। हमें इसमें एक चीज़ और है, मैं अपनी मेल भी खोल के दिखाता हूँ। देखो इसमें मेल भी मेरे पास पहुँची होगी, देखो यहाँ पर देखो ये है, आप देख पा रहे हो यहाँ 3 मेल आई हुई है। तो मैंने यहाँ देखो जो मिसिंग डिवाइस की थी तो उसकी भी मेल आई हुई है। तो ये बाकायदा मेल के साथ साथ में ये सॉफ्टवेयर आपके मेल के साथ साथ पूरा अटैच रखता है। तो करना क्या है आपको कि डिवाइस जब आप लो, यानी कि चोरी होने के बाद आदमी बोलते हैं कि मेरे कैसे ट्रैक करूं क्या करूं, तो उस समय तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत है कि कहाँ जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं। लेकिन आपको क्या है, आपने जब डिवाइस किया, आजकल का जमाना आपको पता है, आप इतनी सब चीज़ें इतनी महंगी महंगी लेते हो, तो आपको ये देखो विंडोज 8 पे मैं काम कर रहा हूँ, जो भी सारी चीज़ें इसमें दे रहे हैं, तो अच्छी अच्छी डिवाइस, अच्छा ये है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इसमें। सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें ये है मेल के थ्रू भी बता रहा है। तो ये देखिए ये मेल आई है प्रे के
उस पर अभी अभी मेल आई है, और जो मिसिंग डिवाइस मैंने की थी तो वो देखो मिसिंग डिवाइस का इसमें पूरा पूरा यहाँ पे मेरे पास मैप लिख के और यहाँ पे ये पूरी आईडी वगैरह लिख के बाहर बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे पास भेजी हुई हैं। अगर मुझे ज़्यादा देखनी है डिटेल तो मैं यहाँ पे लिंक पे डायरेक्ट क्लिक कर दूँगा, तो वहाँ डायरेक्ट मेरे को लॉग इन करने के बाद सारी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया, तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पर से आप अलार्म सेट कर सकते हैं। आप उस आपकी मिसिंग डिवाइस हो गई है, आप उसमें अलार्म बजा सकते हैं किसी और डिवाइस पे। आपको करना क्या है, दूसरी डिवाइस पे बैठना है, क्योंकि इसमें आपने लॉगिन किया हुआ है, आपको किसी दूसरी डिवाइस पे बैठ के इस सिस्टम इस वाली साइट पे preprojects.com पर जाके आपको लॉगिन करना है, और वहां से सिंपली आपकी सारी साइट पूरी पूरी डिवाइस आपकी कहाँ है क्या है पूरी दिख जाएगी। आप वहां से आप अलार्म यहाँ से बजा सकते हैं, यहाँ से सेंड मैसेज भेज सकते हैं कि भाई ये मेरी चोरी की है आप मुझे लौटा दो, या जो भी है, नहीं तो मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगा। जो भी आप मैसेज लिखना चाहो आप इस पर मैसेज लिख सकते हो। यहाँ से अगर वो नहीं करता तो यहाँ से आप उस डिवाइस को लॉक भी कर सकते हो, यानी जो भी आपने पासवर्ड वगैरह कुछ भी डाला होगा वो डिवाइस यहीं से लॉक हो जाएगी आपकी। तो इस तरीके से काम करता है ये। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये जानने के लिए आप मुझे जरूर बताएं। अगर इसमें भी आपको कोई भी चीज की जो चीज़ आपको किसी तरह का समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ज़रूर नीचे मैसेज करिए, मैं कोशिश करूँगा कि इसको इस वीडियो को डिलीट करके आपको दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, और कोशिश ये करूँगा कि मैं दूसरी दूसरा आपको सॉफ्टवेयर अगली बार मैं दूसरा सॉफ्टवेयर इस तरीके का या इससे बेटर तरीके का अगर कोई मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर बताऊँ। तो ये है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बहुत बाय।